खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा की आज महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव डहरिया शामिल होंगे, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष विधु शर्मा मौजूद रहेंगे और सीएम कैबिनेट बैठक में भी शामिल होंगे। तो महत्वपूर्ण बैठक में आज बीजेपी की, इसमें कैलाश विजयवर्गीय, सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश डहरिया भी शामिल होंगे, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो भाजपा की अहम बैठक है और इस बैठक में कई अहम नेता शामिल होंगे और इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण होगा, कौन कौन आएगा, तमाम चीजों का जायजा लिया सहयोगी नीरज ने। भाजपा कार्यालय में एक बड़ी बैठक आज रखी गई है जिसमें सभी जिलाध्यक्षों को और प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल होंगे। अब से कुछ देर में ये बैठक शुरू होने वाली है और सभी पदाधिकारी यहाँ पर धीरे धीरे पहुँचने लगे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पहुँच चुके हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एजेंडा है बैठक का, क्या एजेंडा बैठक का रहने वाला है। महामंत्री रणवीर रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, एक बैठक रखी गई है आज, काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्या एजेंडा रहने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हर बैठक महत्वपूर्ण होती है। आज की जो बैठक है, हमारे दो संगठन के महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम थे, बूथ विस्तारक योजना और समर्पण निधि की समीक्षा बैठक है। और पार्टी का चूंकि 6 अप्रैल को स्थापना दिवस है और 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती है, इन कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर के आज हमारी व्यापक बैठक है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सदैव इस प्रकार की बैठकें संगठन के आगामी कार्यक्रमों को गति देने के लिए समय से पूर्व बैठकें हमारी होती रहती हैं, इसलिए आज की बैठक बुलाई गई। कांग्रेस ने आज से एक अभियान की शुरुआत की है, महंगाई को लेकर आज से अभियान तीन चरणों में रखा गया है। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी अपने घर से ताली और शंख बजा के उस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस का जो चरित्र है, कांग्रेस का जो तरीका है, उस पर हंसी आती है। 100-100 चूहे खाकर के बिल्ली हज को जा रही है। कांग्रेस को अपनी गिरेवान को झाँक कर देखना चाहिए। जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, किस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश के जन कल्याण के जो कार्यक्रम थे, गरीबों के कार्यक्रम थे, उनको ख़त्म करने का काम किया और इस देश को केंद्र में लंबे समय तक उनकी सरकार रही, इस देश को एक तरह से विकास के पीछे धकेलने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों का कल्याण, विकास के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम से जनता प्रभावित होने वाली नहीं है। तो हमारे साथ प्रदेश महामंत्री रणवीर रावत जी, उनका साफ तौर से कहना है कि कांग्रेस के जो प्रयास हैं उनसे जनता प्रभावित होने वाली नहीं है। साथ ही बीजेपी की जो बैठक है वो हर बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। कैमरामैन गणेश के साथ नीरज श्रीवास्तव, अनादि टीवी भोपाल। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक और जाहिर है जब संगठन के तमाम नेता बैठक में हों तो बैठक लिहाज से महत्वपूर्ण भी हो जाती है। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी जानकारी देंगे इस बैठक के बारे में, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक और इन नेताओं का यहाँ शामिल होना जिसमें सीएम भी शामिल होंगे, कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल होंगे। नीरज, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए ये जो बैठक है इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि जिस तरह से बूथ विस्तारक जो अभियान बीजेपी के द्वारा चलाया गया, इसके साथ साथ समर्पण निधि का जो टारगेट है, एक लक्ष्य कहीं ना कहीं 150 करोड़ रुपए जो समर्पण निधि अभियान का रखा गया था उसको लेकर भी ये बैठक है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा ने जो लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य को पूरा पार्टी नहीं कर पाई है। पार्टी के जो नेता कार्यकर्ताओं को जिनको ये जिम्मेदारी दी थी वो कहीं ना कहीं इस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाए हैं। तो इस बैठक को लेकर साफ तौर से जब बात की गई आला नेताओं से तो उनका यही कहना था कि बैठक बीजेपी की जितनी भी बैठकें होती हैं सभी बैठकें काफी महत्वपूर्ण होती हैं, बूथ विस्तारक अभियान को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से 6 अप्रैल को बीजेपी का जो है स्थापना दिवस है, उस के उस तारतम्य में बीजेपी कहीं ना कहीं एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है और माना जा रहा है कि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बीजेपी के लगातार कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब 2023 का चुनाव भी काफी
नजदीक है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं एससी एससी वोटरों को साधने के लिए 14 अप्रैल को जो अंबेडकर जयंती है उस अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है, जिसमें एससी एससी वर्ग के सभी नेताओं को आमंत्रित किया जाता है और किया जा सकता है, और लगभग बूथ स्तर पर भी जो वोटर है एससी एससी के उनको साधने की कोशिश यहाँ पर की जा सकती है। तो इन्हीं सब विषयों पर आज रणनीति इस बैठक में बनाई जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय इस बैठक में मौजूद है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। तो अभी ये बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक अभी माना जा रहा है कि लंबे समय तक ये बैठक चलेगी, लगभग एक घंटे ये एक से दो घंटे ये बैठक चल सकती है। फिलहाल जो उद्घाटन जब सत्र इसका बैठक का जो शुरू हुआ उसमें बूथ विस्तारक समर्पण निधि अभियान और बीजेपी स्थापना दिवस और अम्बेडकर जयंती पर जो है अब चर्चा की जा रही है। जी करुण जानकारी देने के लिए। तो देखिए आज काफी महत्वपूर्ण बैठक है, जाहिर है 6 तारीख को बीजेपी का स्थापना दिवस है, और उसके अलावा भी आप देखिए कि बूथ विस्तारक अभियान हो, फिर चाहे सेवा समर्पण निधि को लेकर बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज ये बैठक है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी